हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है प्रॉफिट ट्रेडर्स। तो दोस्तों, वीकेंड चल रहा है, बिटकॉइन जो है वो बहुत शांति से $17,000 के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, अब कंसोलिडेट वर्ड मैंने क्यों यूज किया, देखो यूजुअली होता क्या है, अगर तुम यहां देखोगे, हम लोग थोड़ा ज्यादा पीछे नहीं, थोड़ा पीछे अगर हम लोग जाए तो बिटकॉइन पहले भी $17,000 के नीचे कंसोलिडेट कर रहा था। ओके, और बहुत से लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि भैया अब इसका मतलब क्या है, वापस ब्रेक डाउन करेगा, नीचे जाएगा, बट एक्चुअल में क्या हुआ, बिटकॉइन ने एक हायर हाई बना दिया। ओके, ट्रेंड थोड़ा समझने की कोशिश करो, दो हम लोग बेयर फ्लैग में है, कोई उसे डिनाई नहीं कर रहा, बट ये मेरा हाई था। ओके, ये मेरा लो हुआ, उसके बाद ये मेरा हाई हुआ और ये मेरा नया लो हुआ। ओके, हम लोग इसको एक क्लीन चार्ट पे भी ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियरली समझ में आएगा, और अगेन बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बेयर फ्लैग है। ओके, वो कोई डिनाई नहीं कर रहा है, बट हाई हाई लो और लो, तो तुम देख सकते हो कि ट्रेंड जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और अब भी हमें जो है वो नेक्स्ट ट्रेंड पे या नेक्स्ट हाई पे जाना है जो रहेगा $19,000 के करीब। ओके, एक चीज इसमें समझने वाली क्या है कि अगर बिटकॉइन वापस यहां से रिजेक्ट हो रहा है, ओके, तो मेरे भाई उसके बाद कहानी बिल्कुल खत्म है। तुमने यहां देखा है, हम लोग जब वहां गए हैं, रिजेक्ट हुए हैं, तो हमने सीधा बेयर फ्लैग को ब्रेक किया और कहां गिरे। ओके, यहाँ पे भी वैसे ही, अगर हम लोग यहाँ वापस रिजेक्ट होते हैं तो कहानी बहुत खराब होगी और शायद हम लोग $13,000-14,000 पे जाए। अगेन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग डीसीए कर रहे हैं, ट्रेड में हम लोग है नहीं, क्योंकि हम लोग कभी भी बीच में ट्रेड नहीं लेंगे, हम लोग हमेशा स्पोर्ट पे बिटकॉइन को पकड़ेंगे, ना कि बीच में। ओके, ओवरऑल अभी के लिए हम लोग 17,000 के नीचे कंसोलिडेट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें ये टेस्ट करने जाना है जो ऑलमोस्ट $19,000 के पास है, जो बहुत अच्छा है। ओके, उसके बाद हमें सिर्फ यहाँ थोड़ी देर और कंसोलिडेट करना है और इसे भी ब्रेक करना है ताकि बेयर फ्लैग जो है वो इनवैलिडेट हो जाए। डेली अपडेट में तुम लोगों को देता रहूंगा, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि तुम्हें ये सब चीजें मिस नहीं करनी है, क्योंकि इससे हमारे बाकी के ट्रेड्स इंपैक्ट होते हैं। बाकी स्टॉक मार्केट बंद थी तो कुछ खास अपडेट है नहीं, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट अगर हम लोग देखें तो साइडवेज, कुछ फंडामेंटल न्यूज है वो वही है यार कि भैया अभी बिटकॉइन 3 हफ्ते के हाई के ऊपर है, और जैसे कि मैंने बोला ट्रेडर्स $19,000 देख रहे हैं, और मुझे भी बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी लग रही है कि हम लोग $19,000 देखेंगे। ओके, मार्केट की हालत खराब चल रही है, तुम्हें पता है, हुआबी ने लोगों को निकाला, जेनेसिस ने लोगों को निकाला, अब सुपर रेयर ये भी जो NFT का प्रोजेक्ट था उसने भी 30% स्टाफ जो है वो कट कर दिया है, सेल्स फोर्स ने एम्प्लॉयज निकाल दिए, Amazon ने एम्प्लॉयज निकाल दिए, बट अगेन मैं वही कहूंगा कि देखो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो लोग स्टिल हायरिंग कर रहे हैं, वो सिर्फ उन लोगों को निकाल रहे हैं जिनसे प्रोडक्टिविटी नहीं थी। सो बिल्कुल जेन्युइन है, मतलब अगर तुम भी किसी को दुकान पे रख रहे हो अपने पास और तुम्हें पता है कि यार ये काम अच्छा नहीं कर रहा, तो तुम निकालो यही पैसा बचाने के लिए, वही हो रहा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो बाकी चीजें स्टिल गुड है, एनालिस्ट अभी भी अच्छा, ये हम लोग इस पे जाते हैं क्योंकि देखो आज ये आर्टिकल आया है AI फोकस्ड ऑल्ट कॉइन का। ओके, और ये कौन सा टोकन है, ये टोकन है मेरे भाई ये वाला, जो हम लोगों ने 9 दिन पहले वीडियो बनाई थी, और जब हम लोगों ने ये वीडियो बनाई थी उस टाइम पे वो टोकन कहाँ था तुम वो भी चेक कर सकते हो, और आज वो टोकन कहाँ है तुम वो भी चेक कर सकते हो। ओके, सो इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, देखो हम लोगों ने गाला देख लिया, हम लोगों ने GRT देख लिया, हम लोगों ने FET देख लिया, कितने परसेंट मूव मेरे भाई ऊपर, बाप रे, हम लोगों ने यहाँ नहीं बनाया, सो बिल्कुल ये मत सोचना कि 106% हमारे वीडियो के बाद आए हैं, लेकिन यहां से तुम्हें इजिली 60-70% प्रॉफिट मिला है, क्योंकि ये था जहां हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, तो 70-75% प्रॉफिट। करना कुछ नहीं है, एक चैनल को सब्सक्राइब करना है, 10 मिनट का वीडियो देखना है, उससे तुम्हें 10 दिन में 75% प्रॉफिट मिल रहे हैं, बेस्ट डील। ओके, पर आने वाले समय में हम लोग ये अपडेट्स के साथ साथ ना एक लाइव ट्रेडिंग भी रखेंगे, जिसमें विल मेक श्योर कि हर रोज हम लोग एक ट्रेड ले आप लोगों के साथ। ओके, और उसमें कुछ प्रॉफिट बनाए, जिसमें प्रॉफिट भी बनाया जाएगा, आपको सिखाया भी जाएगा, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, बिल्कुल ये नॉलेज सेशन और फ्री का पैसा बनाने वाले ट्रेड्स मिस मत करना। ओके, अब ये हुआ ओवरऑल अगर हम लोग देखें बाकी की मार्केट, अगर तुम देखते हो तो जैसे कि मैंने बोला साइडवेज, बिटकॉइन भी साइडवेज क्योंकि वीकेंड है, ज्यादा कुछ है नहीं, माना 7% ऊपर है, सैंड 7% ऊपर है, जो अगेन बहुत अच्छी बात है, और इनफैक्ट अगर तुम देखो तो ये दोनों टोकन्स के बारे में मैंने पहले भी बात की है कि ये
मेटावर्स का फ्यूचर है, ओके, और मेटावर्स में तुम ऑलरेडी देखो तो $5 ट्रिलियन जो है वो मार्केट कैप है आने वाले अगले 7-8 साल में, जो बहुत एक और जबरदस्त चीज। तो हम लोगों को यहाँ पे जो है वो रेडी होना है, क्योंकि देखो तुम इन्वेस्ट हमेशा अभी करते हो ताकि तुम बाद में प्रॉफिट्स बना सको, राइट। तो अच्छे प्रोजेक्ट्स में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने मेटावर्स के ऑलरेडी दोनों प्रोजेक्ट्स जो आज भी टॉप गेनर्स है, चाहे वो मैना है चाहे वो सैंड है, लेकिन इसके बाद एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने मिस किया है, या हम लोगों ने वो पहले भी बाय किया था, ओके, वो प्रोजेक्ट है मेरे भाई इंजन कॉइन, ओके। बहुत से लोग जो है वो अभी इस प्रोजेक्ट को इग्नोर कर रहे हैं, बट ये भी प्रोजेक्ट बहुत जबरदस्त है। सो मेक श्योर अभी लोअर प्राइसेस पे इसे एक्यूमुलेट करो और अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मत गवाओ, ओके। सो करंट प्राइस जोन अगर हम लोग देखें, तो मैं इसे मंथली टाइम फ्रेम पे लेता हूँ ताकि हम लोग और क्लियरली यहाँ देख सके। सो मेरे भाई ये प्रीवियस हाईस के पास पड़ा है ये प्रोजेक्ट, ओके। हम लोगों ने लिंक में भी देखा, उसने एग्जैक्टली उस जगह को जाके टेस्ट नहीं किया, और शायद ये प्रोजेक्ट भी ना करे, बट अगर करता भी है तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेस टू पिक दिस अप, ओके। हम लोगों को इस करंट प्राइस जोन में इसे जो है वो पिक करना है, राइट। और यहाँ से हमारा जो क्विक टारगेट रहेगा वो ये 42 सेंट्स, जो इजिली 80% के प्रॉफिट्स, और स्टॉप लॉस जो है वो 21 सेंट्स के नीचे रहेगा। सो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बहुत कम है, बट मेरे भाई प्रॉफिट्स बहुत सॉलिड यहाँ से बन सकते हैं, ओके। बट अगेन फाइनेंशियल एडवाइस कुछ नहीं है, सो अपनी रिसर्च जरूर करो। बट अगेन हमेशा जब भी ये बात हुई है तो मैंने तुम्हें तीन प्रोजेक्ट्स ही बोले हैं, ओके, सैंड, मैना और इंजन। सो डेफिनेटली रिसर्च करो और ये प्रोजेक्ट को पिक करो, क्योंकि ये बहुत अंडर वैल्यूड है और मेटावर्स फ्यूचर है, ओके। और इसीलिए अगर मौका मिले तो मेटा का स्टॉक भी बाय करो। तो अगर तुम मेटा भी देखते हो तो अपने ऑल टाइम हाई से बहुत चीप वैल्यूएशंस पे चल रहा है, और तुम यहाँ देखो तो वो वापस उसने ब्रेक किया, प्रीवियस सपोर्ट को टेस्ट किया, वापस इस सपोर्ट के ऊपर आ गया है। स्टॉप लॉस रहेगा 122 पे और तुम्हें होल्ड करना है मेरे भाई, अब वो अपने प्रीवियस हाईस को भी तोड़ देगा, ओके। ये $1,000 वाला कॉइन है, कॉइन मेरे भाई स्टॉक है, सो ओके। सो लेकिन वही है, तुम्हें अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखना है, इसे सेफ प्लेस पे पकड़ो और टारगेट्स अचीव होते ही ऑलमोस्ट अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट और डबल ट्रिपल पैसा करके चुपचाप बाहर आ जाओ, ओके। और बाकी जितने प्रॉफिट्स हैं उनको राइज करने दो, ओके। तो परफेक्ट यार, आप होपफुली संडे एंजॉय करो, मार्केट ठीक है, कंसोलिडेट हो रही है, मंडे को शायद हम लोग एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखें और मेरे ख्याल से $17,000 के ऊपर ही जाके क्लोज करें, ओके। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तुमसे कल मुलाकात होगी दोस्तों, थैंक यू सो मच।